सिलचर में एक किशोरी की मौत को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बराक नदी के किनारे 16 साल की बच्ची का शव मिलने से बीती शाम से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गुस्साए लोगों ने इलाके के कई घरों और दुकानों में आग लगा दी है। दरअसल मृत किशोरी पिछले 3 दिन से लापता थी और उसके लापता होने को लेकर जिस लड़के पर संदेह किया गया है उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि आरोपी रॉनी दास नाबालिग है या नहीं इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इधर शव मिलने की खबर जैसे ही फैली लोग मौके पर पहुंच गए और घरों दुकानों और वाहनों में आग लगाकर अपना विरोध जताने लगे। सुरक्षा बलों को गुस्साए लोगों को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस के शीर्ष अधिकारी और अर्धसैनिक बल भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित किशोरी ने पिता ने भी इस बारे में जानकारी दी है। মিসিং কমপ্লিট 13 তারিখ গেছিল, আমি করছি 12 তারিখ ঘটনা ঘটার পর আমি তো অনেক খোঁজাখুঁজি করছি, আমার ছেলে লগের বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে পুরো শহরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছি, কোনো খোঁজখবর কোনো কিছু না পাইয়া 13 তারিখ সকালবেলা একটা মোটামুটি একটা সন্দেহ হয়েছে যে কোনো কিছু একটা হয়েছে বোধ হয়। 12টার সময় গেছিলাম আমরা এই মিসিং কেস একটা করছি সদর থানা গিয়েছিল, মিসিং কেস করার পর এখান থেকে তো এফআইআর রেপার করলো এই আউটপোস্টে, তখন বলেছে ঠিক আছে আমরা দেখব। ধরা হয়েছে কোনো মানুষ? ধরা হয়েছে যে সন্দেহমূলক একটা, আমরা এটাই চাই রনি দাস একটা আছে, টনি আরও 5-6 জন তারা টোটাল মিলে আছে, তারার ফ্যামিলির মানুষও কয়েকজন আছে, এটা মানুষ আমি চাই তারা যেতে 2 জন ধরা পড়ছে আর বাদ বাকি ধরা হইতো আর উপযুক্ত শাস্তি হইতো। वहीं DIG देवोज्योति मुखर्जी ने कहा कि जिस इलाके में गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है वहां से सीधी सड़क मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तरफ जाती है, ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस मार्ग को अवरोध न करें। वहीं पुलिस की तरफ से जल्द जांच रिपोर्ट प्रदान करने की भी उन्होंने बात कही है। Sir, we came to know that a body was found at Madhura Ghat near Malogram area, and after that the people came out, they burnt, they gutted fire in the vehicles. Oh, and they had taken some cartoons from the shops and nearby shops, and they had burnt in 2 places out here on the road. So we called for fire brigade, they were trying to hold the fire brigade. They had formed an unlawful assembly. Our officers had several times, they have warned them and they have told them that we are doing our bit and we will do it very strongly, but you don't form this because by blocking the road you block many people, and this is a very important arterial road to go to the medical college also. So you cannot block the road because that will not solve the problem. What will solve the problem is to cooperate with the police so that they can go with strong investigative steps that we can take, and we can solve the case as soon as possible. और दर्शकों, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विक्रम सरकार। जी विक्रम, 16 साल की एक किशोरी का शव बरामद हुआ है बराक नदी के किनारे से, और इसके बाद लोगों में भी काफी गुस्सा दिख रहा है और कई घरों और दुकानों में उन्होंने आग लगा दी है, तो क्या है पूरा मामला और फिलहाल वहां की हालिया परिस्थिति क्या है? जी हाँ माशुदा, ये जो पूरी घटना है जो कल हुआ है एक आक्रोश का फल स्वरूप था। कल देखा गया है जो असम रोड के एरिया में पिछले 3 दिनों से एक 16 साल की लड़की जो मिसिंग चल रही थी, उनके पेरेंट्स जो घर वाले हैं उनके परिजन हैं वो मिसिंग कंप्लेन दायर करते हैं, लड़की बराबर नहीं होती है। लेकिन कल शाम को लड़की का शव बरामद होता है, वो भी मालोग्राम एरिया से जो काफी दूर वाला एरिया है, वहां पे नदी मथुरा घाट के नदी से। ये खबर आने के बाद ही जो लोकल लोग थे वहां पे, उन्होंने जो जिस लड़के के ऊपर उनका शक था, जिसके साथ ये 16 साल की जो लड़की है उनको काफी बार देखा गया था, उनके साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ रिलेशनशिप में वो लोग थे, उनको बार बार देखा जा रहा था। और लोगों का ये भी कहना है कि जो रॉनी दास नाम का लड़का है, करीबन 17-18 19 साल का लड़का है, वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में भी वो शायद है जुड़ा हुआ, तो ये पूरा गुस्सा है। लोग आते ही लोग उस बाइक जला देते हैं, फिर देर शाम को जितनी भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है, काफी घरों में आगजनी होती है, लड़के के घर पे भी आगजनी होती है, लूटमार का वारदात सामने आता है, रास्तों में कुछ गाड़ियां जलाई जाती हैं, ये पूरा जो मामला है काफी बिगड़ जाता है। उसके बाद जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, DIG साउदर्न रेंज, SP, DSP, एडिशनल SP, जितने भी रैंक के ऑफिसर्स हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, कमांडो के साथ,
साथ सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंचते हैं, वहां पे फायर ब्रिगेड भी पहुंचती है आग को बुझाने के लिए, लोगों को तितर बितर करने के लिए। पहले एक राउंड हवा में फायरिंग होती है, उसके बाद रबर पैलेट की भी फायरिंग होती है लोगों को भगाने के लिए, क्योंकि हालत काफी बिगड़ चुका था वहां पे। उनके पिता के साथ, लड़की के पिता के साथ बात करते हुए लड़की ने पिता ने कहा है कि, और यहाँ के जो लोग हैं महाशिवा वो कहते हैं कि उनको न्याय चाहिए, और पुलिस एक तरफ कह रही है कि लोग उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, जो क्रिमिनल है या जो भी इसके साथ आरोपी है उनको पकड़ा जाए और जस्टिस जो मिले इस परिवार को। लेकिन उसके लिए ये रास्ता ब्लॉक करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जो है काफी इंपॉर्टेंट रूट है जो मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है, जो यूनिवर्सिटी NIT काफी हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं। तो लोगों से यही अपील कर रही है प्रशासन, और अभी भी वहाँ पे पुलिस बल जो है वहाँ पे तैनात की गई है। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि छह लड़कों का, यहाँ पे हमारे सूत्रों के हवाले से छह लड़कों का नाम आता है महाश्विता, और उनमें से चार लड़कों को ऑलरेडी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। अभी जो पुलिस के हवाले से हमारे पास खबर आई है कि इस लड़की को रविवार के दिन, जिस दिन उससे मिसिंग कंप्लेंट दिया गया था, उस दिन रात के 1:30 बजे कारापुर एरिया में उस लड़की को देखा जाता है। वो किसी गाड़ी चालक से पानी मांगती है और फोन मांगती है। अब इन्वेस्टिगेशन इस तरफ चल रहा है कि वो इंसान कौन था जिससे उसने फोन मांगा या पानी मांगी थी रात को 1:30 बजे। ये इंसान को भी अभी, जो आदमी है उसको अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको भी बुलाया जा रहा है या लेके आ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम इस पे पूरी पुष्टि कर सकते हैं कि वो इंसान कौन था। और पुलिस के हवाले से यह खबर है कि अभी तक जो रिपोर्ट आई है बॉडी में कोई मार्क्स उनको अभी तक पोस्टमार्टम के बाद नहीं मिली है। जी विक्रम, और जो पूछताछ चल रही है इन लड़कों के साथ, उस बारे में क्या और अधिक जानकारी मिली है आपको पुलिस की तरफ से? अभी तक पुलिस सूत्र की तरफ से जो हवाला बातें आ रही है सामने की, पूछताछ जारी है और क्या चल रही है, किस एंगल पे ये जा रही है, क्या उसके साथ कोई दुष्कर्म किया गया है कि नहीं, या कोई नशे का चीज क्या सेवन हुआ था कि नहीं, ये तो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी रात को ये लड़की वहां पे क्यों देखी गई थी, कैसे देखी गई थी, उसके बाद वो कैसे गायब हो गई, इसी के चारों इर्द गिर्द ये पूरा सवाल घूम रहा है। जी विक्रम, एक आखिरी सवाल आपसे, भीड़ द्वारा जो आगजनी हुई उसके बाद क्या किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर है? महाशिवा, अभी तक व्यक्ति की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात है, हमेशा हम लोग देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ दुकानों में लूटमार भी हुई है, जब ये पूरा कार्रवाई चल रहा था दुकानों में लूटमार हुई है, काफी दुकानें लूटी गई हैं और पुलिस इसको रोकने में सक्षम हुई है कि आगे ये कार्रवाई लूटमार की ना हो।